इंजॉय करना, घूमना फिरना सभी लोगों को पसंद है। ऐसे में अगर आपकी इच्छा विदेश घूमने की हो मगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और वीज़ा भी नहीं बन पा रहा है, तो आप ऐसे कुछ विदेश यात्रा कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और विदाउट वीज़ा आप घूमने जा सकते हो। ऐसी तो पूरी दुनिया में लगभग 59 देश हैं, लेकिन हम आपको इनमें से कुछ देशों के बारे में बताएंगे जहां आप घूमने फिरने जा सकते हो। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों के बारे में। थाईलैंड एक खूबसूरत देश है जहां इंडियंस जा सकते हैं, जहां आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना होता है। 15 डेज तक आपको यहां रहने और घूमने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन यहां पर रहने या बसने के लिए आपको स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। थाईलैंड में बीचेस और बुद्ध के मंदिर हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है। मकाओ दुनिया की सबसे रिच कंट्री में से है, जहां इंडियंस को जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ग्रेट डेस्टिनेशन विजिट है जो लोग कैसिनो का शौक रखते हैं। यहां सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सेंट पॉल्स, सेनेडो स्क्वायर एंड मकाओ टावर। यहां बना हुआ म्यूजियम भी काफ़ी फेमस है। फिजी भी एक बहुत सुंदर देश है, यहां पर आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहां आपको बीच और आइलैंड मिलेंगे जहां होटल पानी के अंदर बने हैं, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। यहां आप 4 मंथ्स विदाउट वीज़ा रह सकते हैं। भूटान हमारा एक करीबी देश है जहां आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहां भी आप घूमने आ सकते हैं, जहां सीम तोंखा जोंग, बुद्ध केंद्र, छोटा चिड़ियाघर और ऐसी बहुत जगह जहां आप घूम सकते हैं। कंबोडिया भी इंडियंस के लिए एक अच्छी जगह है जहां आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है। यहां आप 30 डेज स्टे कर सकते हो। यहां वर्ल्ड का फेमस हिंदू मंदिर अंकोर वाट बना हुआ है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये जगह आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिए और इस वीडियो के आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।